नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। धर्मबाद में अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में पत्रकारों पर हमले के मामले की शिकायत। अखिलेश यादव पर सुरक्षा गार्ड और सपा कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोप। मारपीट और धक्का मुक्की में कई पत्रकार हुए थे घायल। IPPA भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पाराशर ने SSP कमिश्नर को कार्रवाई के लिए दी तहरीर। SSP और कमिश्नर ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। बस चलो ठीक है। सर, इनको चोट लगी है। एक लड़के के हाथ में चोट है, एक लड़का और है उसकी गर्दन में काफी चोट है। दो चोटें बहुत सर। उसकी सब पूरी विजुअल फुटेज है, वीडियो से। जी मैम। MP सिंह सर, सब लोग जितने भी हैं, जितने साइन बाहर संदेश ठाकुर जी बैठे हैं। आपको किस पेपर से? विधान के से। अंकित जी हां। वारसी समझ में आ रहा है? वारसी ठीक। धन्यवाद सर। इधर मुरादाबाद के दिनदारपुरा स्थित मंदिर रघुनाथ जी महाराज पर कार्यक्रम को आयोजित भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने की शिरकत। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में भगवान शिव की बारात कार्यक्रम आयोजित। शोभा यात्रा के साथ मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का हुआ आयोजन। भक्ति में सरोवर दिखाई दिए भक्त। इधर मुरादाबाद के कुशालपुर रोड स्थित महीलाल पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यशाला हुई आयोजित। समाज सेविका पंखुरी सिंगल एडवोकेट ने छात्र छात्राओं को गुड टच बैड टच के बारे में दी जानकारी। शिक्षा से दूर बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं काम। पूरे देश में पाठशाला के नाम से चलाया जा रहा है कार्यक्रम। इधर पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में आजादी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क शहीद स्मारक में आजादी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुए आयोजित। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पहुंचकर शहीद स्मारक पर फूल अर्पित करने के साथ दी श्रद्धांजलि। महानगर के स्कूलों के बच्चों द्वारा जागरूकता रैली हुई आयोजित, दिए गए जागरूकता के संदेश। इधर कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम एवं जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से ADM प्रशासन सुरेंद्र सिंह एवं ADM सिटी राजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से कोरोना जागरूकता वाहन को कलेक्टर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नगर आयुक्त संजय सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर दूसरे चरण का लगवाया कोवैक्सीन और दिया नगरवासियों को संदेश। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि इस बीमारी से खुद को बचाया जा सके। इधर मुरादाबाद जनपद की तहसीलवार थाना कांट अंतर्गत आशियाना कॉलोनी वार्ड नंबर 5 के नागरिकों के क्षेत्र में नाली की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र के एक नागरिक पर नाला बंद करने का लगाया आरोप। नाली का पानी खुलवाने एवं गंदगी से छुटकारा दिलाने की उठाई मांग। इधर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित लेडीज क्लब में रोटरी क्लब ऑफ मुरादाबाद मिटाउन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी का शिखा गुप्ता ने पहुंचकर कार्यक्रम आयोजकों को दी बधाई। कई महिलाओं को किया गया सम्मानित। लेडीज क्लब में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। समाज सेवा कार्य को लेकर सभी ने बनाई रणनीति। इधर उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक में प्रत्येक विकास खंड के में FPO के गठन तथा 50 हेक्टर के क्लस्टर
गठित करने के दिए दिशा निर्देश। बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह रहे उपस्थित। इधर मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। संबंधित अधिकारी को दिए गए दिशा निर्देश।